हेलो चिल्ड्रन, आप लोगों मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। टुडे आई विल स्टार्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्लास 5th इन इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट। आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में बताया था, इसकी डिग्री भी होती है एडजेक्टिव की कि हम कैसे उनको यूज करते हैं। देर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। सो लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव डिग्री होती है ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज इन्वॉल्व्ड, यानी कब भी जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे सैम इज अ नाइस बॉय, आप लोग इसमें एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे मेरी वीडियो में। दीप्ति इज अ टॉल गर्ल, ठीक है। अब इसमें सिर्फ सैम के बारे में ही बोला गया है, इसमें दीप्ति के बारे में देर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, होता है ऑफ एन एडजेक्टिव यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पीपल, एनिमल और थिंग्स। जब हम टू पीपल और एनिमल थिंग्स बारे में जब कंपेयर करते हैं तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। इसमें हम वी एड आर और ई आर टू मोस्ट एडजेक्टिव टू फॉर्म देयर, मतलब चेंज करने के लिए इसमें हम आर और ई आर को ऐड कर देते हैं। सम केसेस में क्या होता है, वी ऐड मोर, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले मोर भी यूज कर देते हैं। मैं आपको अभी आगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव सिखाऊंगी तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। वी ऑफन यूज देन विद द कंपैरेटिव डिग्री, अक्सर इसमें हम देन का यूज करते हैं जब टू पर्संस के बीच में या एनिमल थिंग्स बारे में जब हम कंपेरिजन करते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, इसमें भी नेहा इज नाइसर देन निधि, यानी नेहा उससे अच्छी है, तो इसमें हमने कंपैरिजन किया है देन निधि से, तो देन क्या यूज करा और नाइस में आर लगा दिया, ठीक है। बीरबल वॉज वाइजर देन अदर कोर्टियर्स, इसमें भी देन का यूज करा है और वाइज में हमने आर लगा दिया। महिमा इज मोर ब्यूटीफुल देन रिंकी, अब इसमें ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता आपका, इसलिए हमने मोर का यूज करा है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ई आर का यूज नहीं करते हैं, तो इसका ये आ जाएगा, इसमें महिमा इज मोर ब्यूटीफुल देन रिंकी। इसके बाद है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इज यूज व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पीपल, जब दो से अधिक लोगों के बारे में हम जब कंपेयर करते हैं तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें एसटी और ईएसटी का मोस्टली हम यूज करते हैं एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे टॉम इज द नाइसेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, अब इसमें नाइसेस्ट करने हमने क्या यूज करा है, नाइस में एसटी यूज कर दिया है। इसी तरह से चित्रा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स, इसमें हमने मोस्ट का यूज करा है, ठीक है। आर्टिकल द इज ऑलवेज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव डिग्री में आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि द जरूर इसमें यूज होता है, ठीक है, यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से। तो आप देख लीजिए कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे चेंज करते हैं, आप पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव का मेरी वीडियो में देख सकते हैं। जैसे क्लीन का क्या बना है, क्लीनर और क्लीनेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इसी तरह से। और आप देखिए पीछे ये हम कैसे चेंज करते हैं, जैसे पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्लोज का क्लोजर, क्लोजेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, इस तरह। और भी आप वीडियो को मेरी पॉज करके देख सकते हैं, बिग का बिगर, बिगेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, और आप इजीली देख लीजिए हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, एक एक का मैं आपको पढ़कर बता दे रही हूँ एग्जांपल। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, अब कहाँ पर हमने मोर और मोस्ट का यूज किया है आप ये देख सकते हैं। इसमें कंफर्टेबल में ई आर नहीं लगाया हुआ है हमने, ठीक है, इसमें मोर का यूज किया है कंपेरेटिव में, और सुपरलेटिव में हमने मोस्ट का यूज किया हुआ है।